तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पुराने जमाने में लंबाई कैसे नापते थे, क्योंकि उस जमाने में जो हमारे बुजुर्ग थे उनके पास इंची टेप यानी कि ये फित्ता नहीं होता था नापने के लिए। तो वो कैसे नापते थे, वो अपने नापते थे हाथों से, इन हाथों से नापते थे लंबाई को। तो हम आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे नापते थे। तो चलिए सीखते हैं। शायद 5-6 दिन हैं पुराने जमाने वाला ट्रिक। पुराने जमाने का ट्रिक। क्या छुट्टियां ना कर। देखिए, ये जो है एक पोरवा 1 इंच का होता है। ये देखिए 1 इंच आ गया है, और ये पूरी उंगली 3 इंच की होती है। ये देखिए 3 इंच। आपको कभी आपके पास कुछ नापना पड़ जाए तो इस तरह आप नाप सकते हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, जो हमारा पूरा हथेली जो अंगूठे से लेके लास्ट उंगली जो होती है पूरा खोल के से नापेंगे तो 9 इंच आएगा। ठीक है जी, देखिए बिल्कुल 9 इंच। जो भी मैं नाप बता रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर है, सबके नाप ऐसे ही होता है सभी का। ये देखिए 1 फुट होता है, दोनों अंगूठों का ऐसे जोड़ मिला लेंगे तो 1 फुट आएगा। 12 इंच का 1 फुट होता है। ये देखिए 1 फुट आ गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा 1.5 फुट यानी कि 18 इंच। ये देखिए पूरा लास्ट उंगली से लेके कोने तक 18 इंच होता है, 1.5 फुट। तो पहले के आदमी इसी तरह हाथों से नापा करते थे, कोई भी सामान लंबाई नापनी हो किसी लकड़ी की या कपड़े की तो इसी तरीके से नापते थे। तो ये देखिए, इस उंगली से लेके पूरा हाथ खोल दें और यहाँ हमारे हड्डी जो होती है वहाँ तक नापेंगे तो हमारा ये 1 मीटर हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर 39.5 इंच इसका 1 मीटर होता है। ठीक है भाइयों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि फित्ता हो हमारे पास, तो हम ऐसे हाथ से नाप सकते हैं। अभी मैं आपको सेंटीमीटर में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा हाथ खोल के 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया। ये हमारी ये जो हड्डी होती है गर्दन के पास यहाँ तक। तो भाई पुराने जो आदमी थे हमारे बुजुर्ग बड़े बुढ़े, वो ऐसे ही नापते थे गांव में। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें।